आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सारे जितने भी आज लीडर मुझे सुन रहे हैं, रॉयल्टी एंड अबो, टेक्निकल एंड अबो, हमारे राइजिंग कोर कोर जितने भी लोग सुन रहे हैं, बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने आज लेके आया हूं। और आज आप सबको पता है वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि जागतिक मृदा दिन मनाया गया जा रहा है 5 दिसंबर। 5 दिसंबर, और नए लोग भी बहुत सारे जुड़ गए हैं। नए सभी को भी हम लोग बहुत इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम वेलकम करते हैं। तो साथियों, क्या है ये जागतिक मृदा दिन? सेव सॉइल। हमने आरसीएम सिस्टम के साथ लास्ट 15 साल से हम लोग मिट्टी बचाओ अभियान चला रहे हैं। तो क्या है ये मिट्टी? थोड़ा सा स्लाइड शो के माध्यम से हम निकलेंगे। देखिए, वक्त सीमित होता है, इस हिसाब से हमें चलना है। पर बहुत अच्छी जानकारी आपके सामने आएगी और आपको बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरी गारंटी है। साथियों, वर्ल्ड सॉइल डे, मिट्टी को बचाना जरूरी क्यों है? क्या कारण है आज पूरा विश्व इस कॉन्सेप्ट के पीछे लगा हुआ है कि मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाओ? तो इसके कुछ पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मिट्टी क्या है? मिट्टी का मतलब क्या है? मृदा का मतलब क्या है? मृदा, हिंदी में उसे जैसे सॉइल, सॉइल को मृदा कहते हैं। मृदा यानी कि जो भुरभुरी होती है, नमी होती है, जिसमें जो हार्ड नहीं, सॉफ्ट होती है। आइए, हर बार ये जागतिक मृदा दिन यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे कब से मनाया जा रहा है कि हमारे विश्व में, हर देश में, हर नागरिक तक ये बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए 2014 से, 2014 से वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। और हर बार इसका एक थीम होता है, वर्ल्ड वाइड थीम होता है। 2014 का अलग थीम था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, हर हर साल का नया थीम होता है। इस साल का थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ। सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये इस साल का कॉन्सेप्ट है। इस साल का FAO, फेडरेशन ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका ऑफिस है रोम में, इटली में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1945 को स्टार्ट हुई है वर्ल्ड में, जो फूड सेफ्टी, अन्न धान्य की ऊपर काम करने वाली, अन्न धान्य के ऊपर सोचने वाली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंतर्गत ये 2014 में वर्ल्ड हेल्थ डे का निर्माण शुरुआत हुआ है। और इस साल का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है सॉइल एंड वाटर, यानी कि मिट्टी और जल जीवन का स्रोत है। देखिए, इस शब्द को आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, मिट्टी और जल, ये जीवन का स्रोत है। किसके जीवन का? आपके, मेरे, क्या सिर्फ आरसीएम के लोगों के, सिर्फ आदमियों का? नहीं साथियों, इस धरती पर जो भी जीव जन्म लेता है, मैं क्या कह रहा हूं, जिस धरती पर जो भी जीव जन्म लेता है, उस जीव का, उस जीवन का स्रोत है मिट्टी और पानी। तो आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, मिट्टी जीवित है क्या? क्या लगता है आपको, क्या मिट्टी जीवित है? अगर मिट्टी जीवित है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा। साथियों, आज मिट्टी के ऊपर ही चर्चा होगी, क्योंकि हमारे भारत देश में 7 माताएं हैं। 7 माताओं को बहुत माना जाता है। कौन सी 7 माताएं हैं ये? देखिए, हमारे जीवन में हमारी पहली जन्म देने वाली माँ, उसके बाद पहली जन्म देने वाली माँ, उसके बाद भू माता, उसके बाद गो माता, रिवर, नदी को भी माता कहा गया है, मातृभूमि यानी कि हमारा देश भारत माता, गुरु, हमारे जो गुरु होते हैं उनको भी माता कहा गया है, और हमारी मदर टंग, मदर लैंग्वेज, उसको भी माता कहा गया है। जैसे केरला से है तो मलयालम, ये मलयालम की माता हो गई। महाराष्ट्र से मैं आता हूं तो मराठी, हमारी बोली, भाषा बोली तो महाराष्ट्र, मराठी माता हो गई।
साथियों, ये सात माताओं को बहुत मान्यता है भारत देश में। तो उसमें से आज हम कौन से माता के बारे में चर्चा करने वाले हैं? भू माता, यानी कि हमारी जमीन, धरती माँ के बारे में जानकारी लेने वाले। अब मुझे, मेरा एक सवाल है, अगर माँ है, हमने धरती को माँ कहा है, तो माँ जीवित होगी कि नहीं होगी? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है, उनको लगता है धरती थोड़ी जीवित है, जमीन थोड़ी जीवित है, जमीन तो पे पड़ी हुई है, जमीन तो मृत है। नहीं साथियों, जमीन जीवित है, क्योंकि हमें देखो, हमने आज तक देखा क्या है, जीवित आदमी जीवित है तो चल सकता है, जानवर जीवित है चल सकता है, बैठ सकता है, पौधे जीवित है, हाइट बढ़ती है, फल देते हैं, फूल देते हैं, जमीन क्या देती है? तो जीवित जीवित उसे कैसे कहे? ना जमीन बढ़ती है, ना जमीन चलती है, ना जमीन भागती है, कुछ भी नहीं। फिर जमीन जीवित हो सकती है क्या? यस मेरे भाइयों, जमीन जीवित है, इसीलिए पौधा जीवित है। अगर जमीन जीवित नहीं रहती तो पौधा जीवित नहीं रहता। फिर जमीन जमीन जीवित कैसी है? हमारे जमीनों में अरबों खरबों जीवाणु है। ये थोड़ा सा एक पिक्चर आपको दिख रहा है, देखिए ये जो जमीन में जीवाणु बैठे हुए हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के जीवाणु है, और ये जीवाणु क्या करते हैं, हमारे जमीन जमीन जो है, हमारी सॉइल जो है, ये फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, सॉइल को सॉइल फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन, अन्न तत्वों का फाउंडेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण, आज तक आपके सामने मैंने विचार कभी नहीं रखे, मगर आज हमें इन सारी चीजों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। तो ये जो जीवाणु होते हैं हमारी जमीन में, ये जीवित है, और ये जीवित जीवाणु हमारे जमीनों से जो हमारे पौधों को अन्न तत्व लगते हैं। अब हमारे पौधों को कौन सा अन्न तत्व लगते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सारे लगभग 13 टाइप के जीवाणु अन्न तत्व लगते हैं। ये अन्न तत्व जमीन से पौधों को देने का कार्य ये जीवाणुओं का है। अब इस वजह से हमारी जमीन जीवित है। अब ये जमीन पे हम अत्याचार क्या कर रहे हैं? अब जमीन का और फायदा क्या है, देखिए बहुत छोटे छोटे अक्षर, ये देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, सॉइल द फाउंडेशन ऑफ न्यूट्रिशन, सॉइल हेल्दी सॉइल फॉर अ हेल्दी लाइफ। देखो हम अगर हेल्दी लाइफ रखना चाहते हैं, हेल्दी लाइफ हमें चाहिए, जैसे गिरीश जी ने कहा कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, आदमी अगर बैठ गया तो रुक गया तो रुक गया, मगर हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी धरती माँ सॉइल भी हेल्दी होना जरूरी है मेरे भाइयों। हम लोग आज देखो, रोल ऑफ 18 न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड ह्यूमन हेल्थ, ध्यान से सुनो, हमारे पौधों को जो न्यूट्रिएंट लग रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट अभी भी लगते हैं, हमारे शरीर को भी लगते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है, हमारे जमीनों से न्यूट्रिएंट डिपिशिएट हो रहे हैं, जमीनों में उतने टाइप के न्यूट्रिएंट नहीं बचे हैं, और हम फसलों पे फसल ले रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो फूड है, जो धान है, ये चावल है, गेहूं है, जो भी खाना खा रहे हैं हम लोग, उसमें उतने टाइप के न्यूट्रिएंट अन्न तत्व नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमारे शरीर में अन्न तत्वों की कमी आ रही है, और इसलिए हमें फूड सप्लीमेंट खाना पड़ रहा है। और हमने क्या कहा कि फूड सप्लीमेंट खाना यह आदमी का शौक बन गया है। आप मुझे बताइए, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 500 साल पहले भारत देश में कितनी कंपनियां थी जो फूड सप्लीमेंट बनाती थी? एक भी कंपनी नहीं थी, मगर हमसे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर, बुद्धिमान लोग उस समय के थे, क्योंकि उनको सही मात्रा में ओरिजिनल ओरिजिनल हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिलते थे, प्राकृतिक नैसर्गिक न्यूट्रिएंट मिलते थे, जो हमारे बॉडी को एक्चुअल चाहिए वो न्यूट्रिएंट मिलते थे। हर न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में रोल है, पोटेशियम का क्या रोल है, आयरन का क्या रोल है, फेरस का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है, ये पूरा, ये अगर आप ये नेक्स्ट स्लाइड देखो, थोड़ी सी और इलेबरेट किया है मैंने इसको, बहुत सुंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जो फसल को
जो न्यूट्रिएंट लग रहे हैं वही आदमी के बॉडी को न्यूट्रिएंट लग रहे हैं। ये देखिए आप, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए आदमी का पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और उसमें पोटेशियम है तो कहाँ लग रहा है, फास्फोरस है तो क्या, उसका काम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोरीन चाहिए हमें, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसेंशियल फॉर मसल एंड नर्वस एक्टिविटीज, यानी कि अलग अलग टाइप। देखो ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, मगर हम अलग जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो आज देखिए पूरा विश्व इसके पीछे क्यों दौड़ रहा है, हमारी सॉइल को, मिट्टी को बचाने के पीछे क्यों दौड़ रहा है, ये अभी आपको पता चला होगा कितना कोरिलेशन है हमारे ह्यूमन बॉडी में और जमीन सॉइल हेल्थ में, कितना कोरिलेशन है, भयंकर। इसलिए कहा गया है हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी लाइफ। अगर सॉइल अच्छी रहेगी तो आपका लाइफ भी हेल्थी रहेगा। आइए थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूं मैं। सिर्फ ये मिट्टी के, धरती माँ के ऊपर सिर्फ आदमी लोग ही डिपेंडेंट नहीं है मेरे भाइयों, मैंने पहले ही कहा पूरा विश्व, विश्व में लगभग 83% एनिमल, आदमी भी एनिमल में जाता है, 83% एनिमल हमारी धरती माँ के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उनका बेसिक फूड चेन जो है, बेसिक फूड सोर्स जो है, वो धरती माँ है। ये आप एनिमल फूड चेन देखिए, ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाया गया है, नीचे हरी, क्यों, देखो ये प्रकृति का इकोलॉजिकल सिस्टम इसे कहते हैं। देखो धरती माँ या इस सिस्टम को स्वयं परमपिता परमात्मा ने बनाया है। देखो जो वेजिटेरियन एनिमल है वो घास खाते हैं, पेड़ खाते हैं, पेड़ की डालियां खाते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स बनाए जो वो जानवरों को खाते हैं, यानी कि वहां पर भी वेज एनिमल बनाए, नॉन वेज एनिमल बनाए, क्योंकि सिस्टम बैलेंस रहनी चाहिए। साथियों देखिए पूरे जंगलों में जाएंगे, सारे प्राणी, सारे एनिमल, सारे जानवर धरती माँ पे डिपेंड है। दूसरा ये देखिए आदमी का ट्रू फूड चैन, आदमी की जो ट्रू सही में फूड चेन कौन सी, आदमी की सही फूड चेन है वेज खाना, कौन सा, ये देखिए सब्जियां, दाल, चावल, अलग अलग टाइप के फल, अलग टाइप के फ्रूट्स, धान है, गेहूं है, ये जितनी भी धरती माँ से उगते हैं, धरती माँ से आते हैं, ये आदमी का ट्रू फूड है, सही में रगड़े वाला फूड है धरती माँ से निकलने वाला। अब सोचिए आज मैं आपको इतनी गहराई से क्यों समझा रहा हूं, आपने हरित संजीवनी पे काम क्यों करना चाहिए, सिर्फ 2 रुपए मिलते इसलिए नहीं, 2 पैसे मिलते इसलिए मत करो मेरे भाइयों, तो ज्यादा प्रतिस्वाल्यू में इसलिए मत करो, मगर आने वाले दिनों में इस धरती पर रहने वाले एक एक जीव का, एक एक एनिमल का, एक एक आदमी का सवाल खड़ा होने वाला है, हर एक की लाइफ का सवाल है, अगर धरती, और ये देखिए धरती माँ पे ही सारा डिपेंड है, और ये धरती माँ पे आज जो अनगिनत अत्याचार हम लोग कर रहे हैं, वो सारे अत्याचार जिस वजह से धरती माँ को भयंकर परेशानी हो रही है, हमारी माँ चिल्ला रही है। देखो मैंने दोपहर को भी, मैं 1 बजे जो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में भी मैं था, आज आज भी कई सारी बहनें इस प्रोग्राम में जुड़ी होंगी, कई सारी माताएं जुड़ी होंगी। देखो माता, जो छोटा बच्चा होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, छोटा बच्चा होता है 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का, वो सबसे ज्यादा विश्व में सुरक्षित समझता है अपनी माँ की गोद को, जब वो माँ के पास रहता है तो उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, वो सुरक्षित महसूस होता है, प्यार महसूस होता है, ये होती है माँ की ममता। साथियों ऐसे ही माँ की ममता हमारी धरती माँ हमारे लिए देने के लिए तैयार है, मगर हम उस माँ को दे क्या रहे हैं, हम उस माँ पे कितने अत्याचार कर रहे हैं, कभी इसका हमने जायजा लिया, कभी इसके बारे में हमने सोचा, देखिए हम आज हमारी धरती माँ के ऊपर क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं, एक्सेस फर्टिलाइजर, भयंकर तरीके से हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, ज्यादा उत्पादन के लिए भयंकर बड़े पैमाने पे फर्टिलाइजर, रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी, एमओपी, एसओपी, जितने चाहिए अनगिनत फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। उसके बाद हम इतने स्वार्थी हो गए मेरे भाइयों, पेस्टिसाइड का प्रमाण, जो भी फसल आ जाओ पेस्टिसाइड का प्रमाण, जैसे बहुत बड़ी मूवमेंट एक बार केरला में चलानी पड़ी, जो काजू कैशू नट के जो बगान होते थे कासरगोड में, गिरिजा आपको पता होगा, वहां पर इंडोसल्फान हेलीकॉप्टर से स्प्रे होता था,
पूरी इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो गई वहां की, और फिर कई साल पहले वहां इंडोसल्फान पे बैन किया गया, तब जाके अब थोड़ी थोड़ी वहां परिस्थिति सुधर रही है, और यही परिस्थिति पूरे भारत देश में हो रही है मेरे भाइयों। इतना देखो हम क्या क्या स्प्रे कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, ये भरमार हम लोग इंसेक्टिसाइड, एक कीटनाशक, फफूंद नाशक, खरपतवार नाशक, भरमार फसलों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, भरमार जमीनों के ऊपर छिड़काव कर रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जमीनों में, मैंने पहले ही कहा आपको कि हमारी जमीन जीवित है, उसमें जो जीवाणु है वो जीवाणुओं पे भयंकर बड़े पैमाने पे उनकी मौत हो रही है, उनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही है। जीवाणु कितने होते हैं मालूम है आपको? एक छोटा चम्मच स्पून आता है ना, होटल में जाते हैं हम लोग स्पून मांगते हैं, एक स्पून में जीवाणु लेंगे ना कितने आएंगे मालूम है आपको? पूरी विश्व की जितनी आबादी है 800 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा जीवाणु एक स्पून में आएंगे, इतने जीवाणु हमारी जमीनों में है। एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लो आप, एक मुट्ठी भर, उसमें भारत देश की जितनी आबादी है ना 140 करोड़, वो एक मुट्ठी में आ जाएंगे, एक मुट्ठी मिट्टी में उतने रहेंगे। मगर दिन ब दिन ये एक्सेस फर्टिगेशन, एक्सेस पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड का यूज, उसकी वजह से उनकी संख्या कम हो रही है, और फिर दिन ब दिन हमारी जमीन मृत हो रही है, दिन ब दिन मृत हो रही है। देखो जैसे आदमी की उम्र, आदमी जवानी में रहता है तो ज्यादा काम करता है, जैसे 50 साल के बाद लोग आदि बोलने लग जाते हैं, गिरी जी अरे अभी तो 50 अबो हो गए, तो अभी काम ज्यादा होता नहीं हमसे, हम ज्यादा भाग नहीं सकते, यानी कि हम थक गए मेंटली भी और फिजिकली भी। 60 के बाद तो वैसे ही लोग धीरे चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आदमी अपने आप कमजोर होने लगता है साथियों। वैसे ही हमारे जमीनों में जो जीवाणुओं की पैदावार कम हो रही है, उस वजह से हमारी जमीन भी दिन ब दिन कमजोर हो रही है, और उस वजह से, और वो कमजोर जमीन, देखिए भाई साहब आप अगर कमजोर है, आप में शक्ति नहीं है, तो आप ज्यादा वजन नहीं उठा सकते हो, और उसी जमीन में हम भरमार खाद डाल रहे हैं, भरमार पेस्टिसाइड का स्प्रे दे रहे हैं, और फसल ज्यादा निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कितने दिन तक ये हमारी धरती माँ हमें उसके आंचल के नीचे छिपा के रखेगी? एक दिन आएगा ये धरती माँ हमें उसके आंचल से बाहर छोड़ देगी, और जिस दिन ये धरती माँ हमें छोड़ देगी, साथियों ध्यान रखिए, अगर माता ने बच्चों को छोड़ दिया तो बच्चों को सहारा देने वाला कोई नहीं रहता, वैसे हमारी धरती माँ जिस दिन हमें छोड़ देगी तो हमें सहारा देने वाला कोई नहीं रहेगा, इस धरती पर आदमी जीवित नहीं रहेगा। ये बहुत सोचने वाली बात है, आज मैं वर्ल्ड सॉइल डे के नाते आज आपके सामने ये सही बात बता रहा हूं, और हमें गर्व है कि हम आरसीएम सिस्टम के माध्यम से इसके ऊपर ऑलरेडी काम स्टार्ट कर चुके हैं, कार्य स्टार्ट कर चुके हैं। दूसरा तीसरा फैक्टर होता है हेवी सनलाइट, अभी दिन ब दिन देखो टेम्परेचर, पर्यावरण चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हेवी रेनफॉल, कभी कभार बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल आता है तो मिट्टी बह जाती है, और हमारी धरती माँ, हम जो मिट्टी में फसल लेते हैं, हमारी जो ऊपर का जो हिस्सा है मिट्टी का 18 इंच का, 18 इंच का जो हिस्सा है, वही हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम 1.5 फिट 18 इंच से नीचे जाएंगे वो हिस्सा हमारे लिए कोई फायदे का नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, बहुत न्यूट्रिएंट की मात्रा कम हो जाती है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा कम हो जाती है, जीवाणुओं की मात्रा कम हो जाती है, जीवाणु इतने नीचे नहीं जाते। तो ये जो हमारी धरती माँ है, ये जो 18 इंच का स्तर है ऊपर का, हेवी रेनफॉल होता है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, और जब मिट्टी बह जाती है तो हमारी धीरे धीरे जमीन बंजर होने लगती है। उसके बाद आज, पहले जमाने में हर एक किसान के पास बैल होते थे, गाय होती थी, भैंस होती थी, बकरियां होती थी, तो उसका फायदा क्या होता था, उनका गोबर मिलता था, उनको बैलों का गोबर मिलता था, भैंस का गोबर मिलता था, गाय का गोबर मिलता था, और वो क्या है एक जगह पे रख के वो खेतों में डालते थे। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है गोबर, ये ऑर्गेनिक सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, मगर आज हमारे पास बैल ही नहीं रहे, गाय नहीं रहे, तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आएगा कहां से? और फिर हम 90% आज डिपेंड हो गए हैं ओनली केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर, बस हमें इतना ही पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर लेके आओ, 2 बोरी लाओ जमीन में डाल दो, 3 बोरी लाओ जमीन में डाल दो, 4 बोरी लाओ जमीन में डाल दो, और हम देखिए इतना अत्याचार हमारी धरती माँ पे कर रहे हैं। कभी हमने सोचा? आज ये मत सोचो कि सर मैं खेती किसान नहीं हूं, मैं खेती करता नहीं हूं, मेरी खेती नहीं है, ये मत सोचो मेरे भाइयों, ये सोचना जिस दिन बंद करोगे उस दिन आपका जीवन सरल होगा, क्योंकि आप खाना खेती नहीं आपके पास, छोड़ दो आपका खेती से कोई ताल्लुक नहीं, छोड़ दो खाना तो खा रहे हो ना,
आप अगर खाना आपको सही नहीं मिलेगा क्या करोगे आप? हमें हेल्दी लाइफ के लिए हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट डाला गया है, अच्छा फूड मत खाओ, जंक फूड खाओ, जो भी खाओ सिर्फ गोलियां खाओ, गोलियां खाने से तुम हेल्दी जीवन जी सकते हो, ये हमारे माइंड को सेट किया गया है, बिल्कुल गलत। साथियों कितना फूड सप्लीमेंट खाओगे? टेम्पररी है, इसका फायदा क्या है? टेम्पररी है, इसीलिए हमें हमारी धरती माँ को ही सुधारना होगा, धरती माँ की फर्टिलिटी को सुधारना होगा, प्रोडक्टिविटी को सुधारना होगा और हमारे फूड को सुधारना होगा, तब हम हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। सिर्फ कसरत करने से भी नहीं जी सकते, हाँ सिर्फ हम योगा करने से भी नहीं जी सकते, खाना अगर हमारा सही नहीं रहेगा तो फायदा क्या होगा? तो मेरे भाइयों मेरे बहुत आपको नम्र विनंती है, रिक्वेस्ट है, एक आदमी को धरती माँ को बचाने के लिए हम तैयार करेंगे, एक आदमी को। मैंने दोपहर के प्रोग्राम में भी हर मेरी बहन से वो चर्चा की कि आपको एक तो भी ऐसा काम करना है, हर दिन एक घर में धरती माँ को बचाने का ये अभियान शुरू करना है। ये अभियान नहीं है मेरे भाइयों, आज हमने दिल्ली में 23वीं एनिवर्सरी में लोग थे, कई सारे होंगे यहाँ से आप सुन रहे, जितने सुन रहे हैं वो कई सारे लोग होंगे, 27 तारीख 28 तारीख को किसोल की एनिवर्सरी हुई और वहां पर क्या जबरदस्त मौका मिला हमें किरण बेदी जी से मिलने का। उन्होंने क्या कहा कि आरसीएम ये मिशन नहीं है, ये आंदोलन है। किसका आंदोलन है? ये विचारों का आंदोलन है मेरे भाइयों, ये एक शक्ति का आंदोलन है, ये एक प्रण करने का आंदोलन है। तो हम इस आंदोलन से आरसीएम सिस्टम के माध्यम से पूरे भारत देश में, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि घर घर जाके अपने को सॉइल सेव सॉइल के बारे में, मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में बताना है। तो इसके लिए और क्या फायदा होगा? तो हमारे लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट अपने पास है, सॉइल को और बचाने के लिए, मिट्टी को और ठीक करने के लिए, हरित संजीवनी, गार्डन गोल्ड और सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये तीन प्रोडक्ट पे फोकस करना है। हरित संजीवनी स्टेज नंबर वन जमीन के लिए, सॉइल हेल्थ सिर्फ जमीन के स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, उसका नाम ही है सॉइल हेल्थ स्पेशल, जमीन के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए बनाया गया प्रोडक्ट, 1 एकड़ के लिए 500 ग्राम एक बार देना है जमीन में, कई सारा काम जमीन में करते हैं ये, हमारी जो बंजर होती हुई जमीन को जीवन दान देने का ये कार्य कर रहा है सॉइल हेल्थ स्पेशल। और हमारे घरों में, मैं ये नहीं चाहता हूं, ये मैं कभी कहूंगा नहीं कि आपके पास खेती नहीं है, छोड़ दीजिए, आपका छोटा मकान है उसके टेरेस के ऊपर 10 गमले रख दीजिए, उस मिट्टी को जीवित करने के लिए आपके पास बहुत कारगर बेहतरीन प्रोडक्ट है और वो है गार्डन गोल्ड। बस पर मंथ 1 गमले में 100 ग्राम गार्डन गोल्ड डालते जाइए, आपकी मिट्टी जिंदगी भर जीवित रहेगी और उसमें से जो भी आप पौधा निकालोगे, बैंगन लगाओ, टमाटर लगाओ, सब्जियां लगाओ, 100% आप ऑर्गेनिक सब्जी खा सकते हो, जहर मुक्त सब्जी खा सकते हो, न्यूट्रिशनली रिच सब्जी खा सकते हो, इतने मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ साथियों। तो आज हमें इस सारी चीजों के ऊपर बहुत गहराई से सोचना है, गहराई से सोचने का वक्त आ गया है, हम आरसीएम के सेवक है, हमें घर घर जाके आज के बाद नारा लगाना है, हर घर गार्डन गोल्ड, हर घर गार्डन गोल्ड, घर घर गार्डन गोल्ड, एक एक घर में जाकर के लोगों को समझाना है, क्योंकि आज ही नहीं समझाएंगे तो वक्त नहीं मिलेगा, वक्त नहीं मिलेगा। लगभग ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना ये, यूएन एजेंसी का मानना ये है कि आने वाले 50 सालों में धरती पर, यानी कि हम जिस धरती पर रहते हैं, मैं सिर्फ भारत देश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केरला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मेरे भाइयों, तो हमारे पूरे विश्व में 80% 80% सॉइल ये बंजर हो जाएगी, जहां पर एक भी पौधा नहीं उगेगा। जब पौधा नहीं उगेगा तो आप क्या खाओगे? नायलॉन से बना हुआ चावल खाओगे? कितने दिन खाओगे? सब्जी कौन सी खाओगे? साथियों ये बहुत गंभीर बात मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसके लिए हरित संजीवनी ने युद्ध छेड़ा है, 14 साल हो गए हरित संजीवनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की श्रृंखला आरसीएम सिस्टम में 14 सालों से अविरत कार्य कर रही है। आरसीएम हरित संजीवनी के 10 प्रोडक्ट है मेरे भाइयों, हरित संजीवनी फ्रूट स्पेशल, सॉइल हेल्थ स्पेशल, गार्डन गोल्ड, रैपिड डिफेंड, स्प्रेमैक्स, मिलाप श्योर शुगर और गार्डन हेल्थ किट, 2 प्रोडक्ट गार्डनों में यूज करते हैं हम लोग, किचन गार्डन में यूज करते हैं और बाकी जमीनों में और पौधों के छिड़काव के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उसके रिजल्ट लोगों ने लिए, जमीन को ठीक होते हुए लोग देख रहे हैं, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ते हुए लोग देख रहे हैं, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि जमीन
जब सॉइल हेल्थ ठीक हो रही है, जब हेल्थ ठीक होगी तो पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, और पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो साथियों आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इतना बेहतरीन कोरिलेशन है जमीन का और आदमी का। इसीलिए जमीन के ऊपर 83% जीवों का अस्तित्व डिपेंड है, 83% जीवों का अस्तित्व डिपेंडेंट है साथियों। तो आइए हम आरसीएम सिस्टम के पाइक, हम आरसीएम सिस्टम के सेवक आज वर्ल्ड सॉइल डे के इस औचित्य पर, इस दिन पर हम प्रण करते हैं कि हम एक साल के लिए, ये साल हमारा इस नाम रखेंगे कि हर दिन एक आदमी को हम, भले मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हरिसंजीवनी समझाओ, आप सॉइल समझाओ, कुछ नहीं, आप शहरों में रहते हो गार्डन गोल्ड तो समझा सकते हो, किसी के घर में जाकर के गमला दिखे गार्डन गोल्ड समझाओ, तो आपने, मैं ये कहूंगा कि आपने धरती माँ के लिए काम किया है। आप ना मेरे लिए काम करो, ना हरिसंजीवनी के लिए काम करो, ना आरसीएम सिस्टम के लिए काम करो। पहले कहा गया है हमारे इस बिजनेस के रचयिता माननीय टीसी सर हमेशा कहते हैं कि आरसीएम कोई ये पैसे कमाने का बिजनेस नहीं है, आरसीएम ये मिशन है। और किरण बेदी जी ने तो और आगे जाके कहा कि आरसीएम मिशन से आगे है, आंदोलन है। तो साथियों आइए इस आंदोलन में, इस मिशन में हम शामिल होते हैं और इस साल एक प्रण लेते हैं कि मैं हर दिन धरती माँ के लिए काम करूंगा, हर दिन धरती माँ के लिए काम करूंगा, हर दिन धरती माँ के लिए काम करूंगा। मेरी धरती माँ मुझे पुकार रही है कि बेटा तू क्या कर रहा है, मेरे लिए कार्य करना तेरा धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं हर दिन एक आदमी को भले गार्डन गोल्ड समझाऊंगा, हरिसंजीवनी समझाऊंगा। रबी का सीजन स्टार्ट है, अभी खेतों में गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, मक्के की फसल है, चावल चने की फसल है, सब्जियों की फसल है, ये तो 12 महीने चलती रहेगी। ये देखो एक सब्जी एक फसल जाएगी तो दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी तो तीसरी आएगी, तीसरी आएगी तो फिर पहली आएगी, ये सर्कल चलता रहेगा। ये जब से सृष्टि निर्माण हुई है तब से ये सर्कल रुका नहीं मेरे भाइयों, और ये कभी रुकेगा भी नहीं। जिस दिन ये समय रुक जाएगा तब ये चक्र रुकेगा, और ये समय कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि समय रुकने के लिए हजारों साल लग जाते हैं साथियों, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए तैयार है आप? बिल्कुल आइए मेरे साथ, कहिए कि हम इस मिशन के साथ, इस आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए तैयार है, और हम प्रण लेते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले अगले 5 दिसंबर 2024 तक हम एक ही काम करेंगे, हर दिन धरती माँ के लिए, हम धरती पुत्र है तो धरती पुत्र बन के दिखाएंगे और धरती माँ के लिए काम करेंगे, हर दिन धरती माँ के लिए काम करेंगे, हर दिन गार्डन गोल्ड समझाएंगे, हर दिन हरिसंजीवनी समझाएंगे, हर दिन सॉइल हेल्थ समझाएंगे, घर घर जाके समझाएंगे, चाहे मुझे खेती है ना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं धरती माँ का पुत्र हूँ तो मैं एक अच्छा पुत्र बन के दिखाऊंगा। साथियों आज आपने बुलाया मुझे और इतना बड़ा स्टेज दिया, इतना बड़ा मान सम्मान किया, और मुझे बड़ी बड़ा खुशी हुआ, गिरीश जी जैसे एक डायनामिक लीडर ने मुझे आज बुलाया। गिरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी महानुभाव, मेरे सभी प्यारे दोस्त, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बहुत अच्छे दिन आज हम मिले। सेव सॉइल, धरती माँ फिर से एक बार, धरती माँ के पुत्र है हम, धरती माँ की सेवा करने के लिए तैयार है। जय आरसीएम, जय हरित संजीवनी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।